हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से फिर से यहाँ पर जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इस बार जो है बहुत सारे पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है, तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने PDF खोल लिया। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट यहाँ पर दिया है, टोटल यहाँ पर जो है 16 पोस्ट, यहाँ पर 16 पोस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 50 पोस्ट दिया गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 100 पोस्ट, उसके बाद फिटर के लिए 50, उसके बाद RNAC के लिए 10, उसके बाद MMB के लिए 1, उसके बाद टर्नर के लिए 10, मशीनिस्ट के लिए 10। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं बहुत टोटल जो है 284 यहाँ पर जो वैकेंसी जारी किया गया है। दोस्तों, आप लोग इसको देख सकते हैं गौर से। यहाँ पर यूअर के लिए 143 और बाकी सब के लिए यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। तो एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 ईयर के बीच में आप लोग का एज होना होगा। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पर जो है 1 ईयर के लिए यहाँ पर किया जाएगा, जिसका यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिर्फ बोल दिया गया ITI पास आप लोग को होना होगा, उसी के साथ NCVT सर्टिफिकेट आप लोग को होना होगा। यहाँ पर जो है मेथड, जो सिलेक्शन ऑफ मेथड बोला गया है, वो है आप लोग का ITI मार्क्स के बेसिस से आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर 70% सीट यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ITI स्टूडेंट के लिए रिजर्व किया गया। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा बात यहाँ पर जो है बोल दिया है। उसके बाद जो है 30% सीट यहाँ पर जो है प्राइवेट ITI स्टूडेंट के लिए, मतलब यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो स्पेसिफाई कर दिया गया है कि गवर्नमेंट ITI स्टूडेंट के लिए कितना और यहाँ पर प्राइवेट ITI स्टूडेंट के लिए कितना परसेंट यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है, 20/10/2022 से लेकर 28/10/2022 के बीच में आप लोग का जो होना वाला है। यहाँ पर वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर बोल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर नालंदा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हैदराबाद में आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से आप लोग का जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को apprenticeshipindia.gov.in यहाँ पर जाके आप लोग को रजिस्टर करके आप लोग को जो है उस जो आप लोग जब रजिस्टर करेंगे उसका एक प्रिंटआउट कॉपी भी आप लोग को लेना होगा। उसी के साथ उसको लेके आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट लेके आप लोग को आना होगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ बोला गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ तेलंगाना स्टेट के जो 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 कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्टेट का यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेसिडेंट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस छोटी सी चीज़ यहाँ पर दिया गया था जो कि आप लोगों से शेयर करना था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 27/9/2022 से आप लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।